वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो अभी तक हमने बात की थी कि सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या लॉज होते हैं और बेसिकली किस तरीके से हम किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। तो हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखी थी, इस लेक्चर में हम और आगे फर्दर लेवल की प्रॉब्लम देखने वाले हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो दैट इज अगेन अनदर वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। एक इंक्लाइन प्लेन है और उस पर एक मास एम ब्लॉक रखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्या ये एम ब्लॉक इस पे स्लाइड करेगा या चांसेस है कि ये स्लाइड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सो दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई शुड आस्क यू। तो कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर हो सकता है ये स्लाइड करेगा, हो सकता है ये स्लाइड नहीं करेगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये डेफिनेटली स्लाइड करेगा। तो क्योंकि हम अगर डेली लाइफ से देखें तो डेली लाइफ में ये पॉसिबिलिटी होती है कि सर ये स्लाइड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बट इस प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन हमने बोला जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा तब तक ये इंक्लाइन प्लेन कैसा है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस है। तो जब फ्रिक्शन है ही नहीं, जब फ्रिक्शन नहीं है तो डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे कि सर अभी तो इसको कोई भी स्लाइडिंग से रोकने वाला फोर्स है ही नहीं, तो अभी तो ये हर केस में स्लाइड करेगा ही करेगा। तो अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर इसमें एक्सेलरेशन होगा, ये स्लाइडिंग होगी। तो अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि सर ये स्लाइडिंग का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें मालूम है ये स्लाइड तो इसी तरीके से करेगा, तो डेफिनेटली हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो पता है, उसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है। तो एक काफी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको जरा देखें, जरूर समझने की कोशिश करेंगे। सर अगर मैं बात करूं इस एम ब्लॉक को सिस्टम मानूं, पहला मेरा क्या स्टेप होता है, सर सिस्टम को फाइंड आउट करना। मैंने सिस्टम माना एम को और उसका एफबीडी बनाना। तो जरा देखें, मैंने कहा सर जो एफबीडी बनेगा वो देखते हैं। मैंने कहा सर ये जो एम ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस हैं वो लग रहे हैं एमजी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड। जो एमजी फोर्स है वो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड। अब बात आती है नॉर्मल की। सर इसमें नॉर्मल, कुछ लोगों के दिमाग में आता है नॉर्मल विल बी अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, बट ऐसा नहीं है। मैंने कहा यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस देखिए, कॉन्टैक्ट सरफेस है ये वाले, यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो आप बोलोगे सर इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये जो फोर्स लगेगा नॉर्मल किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो नॉर्मल जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, क्लियर। ये जो नॉर्मल लगने वाला है वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है, ये रहा नॉर्मल। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें। अब यही दो फोर्सेस हैं और तो कोई भी फोर्स नहीं है। मैंने कहा सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये वाली, दैट इज ए। नाउ वी हैव टू डिसाइड द एक्सिस। तो हमने कहा सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक एक्सिस जरूर होना चाहिए। मैंने बोला ये एक्स हो गया तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, वाई डायरेक्शन बोलेंगे। तो सर इस डायरेक्शन को हमने क्या बोल दिया, वाई। ध्यान रखें मैंने एक्स एक्सिस को अब ऐसा लिया हुआ है क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में मेरा एक एक्सिस होना बहुत जरूरी है और एक्सेलरेशन मुझे मालूम है कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, तो मैंने उसी डायरेक्शन में एक एक्सिस ले ली। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमको जो हमारे फोर्सेस हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ही रहने चाहिए सारे के सारे फोर्सेस। बिकॉज हम क्या करते हैं कि सर न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं तो एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएंगे, वाई एक्सिस के अलोंग लगाएंगे, तो जो सारे के सारे फोर्सेस होने चाहिए वो हमारे इन्हीं को एक्सिस के अलोंग होने चाहिए। बट यहां पर अगर हम बात करें ये नॉर्मल, दिस इज अलोंग दी वाई एक्सिस, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, बट दिस एमजी इज नाइदर अलोंग दी वाई एक्सिस नॉर अलोंग दी एक्स एक्सिस, राइट। तो इसका मतलब ये mg को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे जब भी हमें इस टाइप के फोर्सेस आएंगे जो कि इन दोनों एक्सिस के अलोंग नहीं होंगे, तो उनमें से आप क्या बोलोगे, उस फोर्स को हम कंपोनेंट ब्रेक कर लेंगे सच दैट कि उसके कंपोनेंट इन दो एक्सिस के अलोंग आ जाएं, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं यहां पे इसके कंपोनेंट की, तो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं देखिए कंपोनेंट ब्रेक करना हमको आता है, वेक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं, एक इस तरीके से आएगा और एक इस तरीके से। ये दो कंपोनेंट होंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट mg के, एक ये और ये, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये। तो बेसिकली आप क्या बोलोगे कि सर अब हमने इस mg को मैं यहां से हटा रहा हूं बिकॉज mg के हमने दो कंपोनेंट ब्रेक करके लिख लिए। ध्यान के 2 प्लस 2 4 होता है, या तो आप 4 लिखोगे या 2 प्लस 2 लिखोगे, दोनों चीजें नहीं लिखोगे। मैंने mg को ऑलरेडी ब्रेक कर लिया इन दो कंपोनेंट में, अब बस मुझे mg के जो कंपोनेंट है उनके मैग्नीट्यूड निकालना है। मैं आपको बताता हूं, इस डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा mg sin थीटा। इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट लोगे तो देख लेना, इस डायरेक्शन में आएगा नीचे की तरफ और दैट शुड बी इक्वल टू mg। तो या तो उन दोनों का सम लगा दो या फिर आप उनको कंपोनेंट ब्रेक करके, तो एक बार में एक ही लिखना है। कुछ लोग इसको mg साथ में रख लेते हैं, दोनों ही गलत करते हैं, राइट, क्योंकि हमने mg काउंट कर लिया, mg को दो पार्ट में ब्रेक करके काउंट किया हुआ है। अब आप देखिए सारे के सारे फोर्सेस या तो हमारे y एक्सिस के डायरेक्शन में है या हमारे x एक्सिस के डायरेक्शन में है। अब यहां पे जो क्वेश्चन आता है कि सर ये इस तरीके से कि ये cos थीटा और mg sin थीटा ही क्यों लिया, मैंने कहा जरा देख लेते हैं कैसे लिया, क्योंकि ये जो एंगल आता है आप अगर पालेंगे ये वाला जो एंगल आएगा वो आएगा थीटा, एंगल कितना आएगा थीटा, और mg डायरेक्शन में थी तो mg का वो कंपोनेंट जो इसके साथ एंगल थीटा बनाना वो कितना हो जाता है mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाता है mg sin थीटा। थीटा कैसे आया उसको भी एक बार देख लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए ये जो एंगल था वो कितना था थीटा,
अगर मैं यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर डालूं जो कि राइट, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपको मालूम है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, क्योंकि देखो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। फिर से देखेंगे जरा, मैंने कहा सर ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एमजी की डायरेक्शन थी नीचे वर्टिकली, क्लियर। अब आपको पता है सर ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये आया थीटा। और mg अगर इस डायरेक्शन से थीटा बनाने, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो mg cos थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो mg sin थीटा आएगा, क्लियर। तो अब हम बात करेंगे सिंपली यहां पे सिग्मा, अब मैं क्या लगा दूंगा सर, सिग्मा fy इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन, क्लियर। अब y डायरेक्शन में देखिए ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, नीचे वाले को नेगेटिव माना, तो देखिए ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या है n, और नीचे वाली डायरेक्शन में क्या है mg cos थीटा, उसको नेगेटिव में लिखा, और इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कितना है जीरो, इसलिए हम बोलेंगे इस डायरेक्शन में x शुड बी इक्वल टू जीरो। यहां से हमें एक चीज समझ में आ गया कि नॉर्मल की जो वैल्यू आई वो आई mg cos थीटा, नॉर्मल की यहां से वैल्यू कितनी आई mg cos थीटा। अब आपको एक चीज ध्यान होना चाहिए कि सर हमेशा हम n की वैल्यू mg, n की वैल्यू mg ही देखते रहते हैं, और कई बच्चों के दिमाग में होता है ये चैप्टर पढ़ने से पहले कई बार n इक्वल टू mg होता है, तो n की वैल्यू mg के बराबर वो इसकी कोई गारंटी नहीं है, n की वैल्यू अलग अलग आती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले बताया n और mg में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये जो थर्ड हमने थर्ड लॉ में बात की थी उस वीडियो में हमने क्लियरली बोला था n और mg की वैल्यू बराबर आ सकती है एक दूसरे के, बट इसका मतलब ये नहीं कि n mg की वजह से और mg n की वजह से, राइट, ये एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन नहीं है। इस चीज को हमने बहुत अच्छे से थर्ड लॉ में क्लियर किया है, तो मेक श्योर कि आपको ये चीज क्लियर हो। अब हम बात करेंगे सिग्मा x डायरेक्शन में, अगर हम लगाएंगे तो आप बोलोगे सर सिग्मा fx इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू x डायरेक्शन, क्लियर। तो अगर हम यहां पर बात करें तो x डायरेक्शन में कितने फोर्सेस हैं सर, एक ही फोर्सेस है, इसी डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो आप बोलोगे mg sin थीटा, mg sin थीटा, और मास कितना है, इतना मास है m, एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है पॉजिटिव में, तो हमने उसको बोल दिया a, m से m कैंसिल, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई g sin थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई g sin थीटा, क्लियर। तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि कभी भी ऐसे स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा होता है तो उसका जो एक्सेलरेशन आता है वो आता है जी साइन थीटा। वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि सर इसके मास पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब आप कितना भी भारी कितना भी हल्का ब्लॉक यहां पर रख देंगे उसका एक्सेलरेशन जो आएगा अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन वो कितना आएगा जी साइन थीटा आएगा। तो ये कई बार हम इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको क्लियर होना चाहिए और ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, क्लियर। तो यहां पर हमने कुछ प्रॉब्लम देखी, आगे के वीडियोस में हम और फर्दर प्रॉब्लम देखेंगे, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स का लेवल आगे बढ़ता जाएगा। तो मेक श्योर कि आप सारे वीडियोस को ऐसे सिंक में देखेंगे तो सिर्फ सारी तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मैंने आपको पहले वीडियो से बताया है, पहले लेक्चर से बताया है इसके कि सर सारे स्टेप को आप एज इट इज सिंपल सिंपल फॉलो करते जाइए, जितनी ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको इजी होती जाएंगे। कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, एफबीडी जरूर बनाएंगे, बिना एफबीडी बनाए अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की तो आपको दिक्कत आने वाली है। और अगर आप इसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपसे नहीं बने, ऐसा नहीं हो सकता। मैक्सिमम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो भी है, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको किसी ना किसी टेस्ट पेपर से मिल जाएंगे, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको इन लेक्चर्स में कवर करूंगा, और विद इन 5 to 6 मोर लेक्चर्स इट विल बी कवर्ड। तो जल्दी जल्दी मैं एक एक लेक्चर एवरीडे कोशिश करूंगा कि आपको देता जाऊं और सारे के सारे प्रॉब्लम्स को मैं कवर करूं, क्लियर। So if you have any doubt, please mention in the comment section and do subscribe the channel so that you can get all the updates of my new incoming videos. Thank you.